बारा से ये बड़ी खबर है। विधायक पानाचंद मेघवाल के इस्तीफे से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत और पीसीएस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने फोन पर मेघवाल से बातचीत की। सीएम और प्रदेशाध्यक्ष ने मेघवाल से इस्तीफे को लेकर के बात की है और मेघवाल ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की है। परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उन्होंने की है और साथ ही विधायक मेघवाल कार्यकर्ताओं के साथ कुछ ही देर में जालौर पहुंचेंगे। तो देखिए, इस मामले से आहत होकर के उन्होंने इस्तीफा देने की बात कल कही थी, जिसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष ने उनसे बातचीत करने की फोन पर बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार है उसे 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए और साथ ही एक सरकारी नौकरी भी उस परिवार के लिए जिसने अपने बच्चे को खोया है उन्हें दिया जाए। ये तमाम बातें पूरी जानकारी लेंगे सहयोगी हंसपाल से, इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हंसपाल, देखिए, कल जब इस्तीफा आया था विधायक का पानाचंद मेघवाल का, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस घटना से आहत होकर के अपना इस्तीफा, लेकिन इसके बाद जानकारी अब आ रही है कि बातचीत की कोशिशें शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष ने बातचीत की कोशिश उनसे की है फोन पर, क्या जानकारी, क्या बातचीत में रहा? जैसे बता दूं आपको, 12 अक्टूबर से विधायक है कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल, उन्होंने कल दोपहर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी को अपना इस्तीफा भेजा था। उन्होंने मांग की थी कि नेता के जो उदय कुमार मेघवाल छात्र है उसकी निर्मम पिटाई करके उसकी हत्या की गई, उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, बल्कि एक जगह को नौकरी दी जाए। इसके साथ ही पानाचंद मेघवाल इस्तीफे के बाद ही राजस्थान में की राजनीति में भूचाल सा आ गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने पानाचंद मेघवाल से फोन पर बात की, उन्होंने मनाने की कोशिश की है और मेघवाल ने अपनी मांग पर मेघवाल अड़े हुए हैं। मेघवाल ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिलेगी, उसको 50 लाख का मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक मेरा यह आंदोलन जारी रहेगा, मेरा त्याग जारी रहेगा। और सुबह की ये बात है, पानाचंद मेघवाल अपने 50 कार्यकर्ताओं के साथ जालौर के लिए रवाना हो चुके हैं और 10:30 बजे का उनका मिलने का समय है, वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और वहाँ पे सांत्वना वो जताएंगे। इसका बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है सामने की जिला परिषद के जो 2-3 सदस्य हैं वो भी पांच मेंबर के साथ जालौर के लिए रवाना हो गए हैं और 5 पार्षद उन्होंने भी अपना इस्तीफा। हंसपाल, देखिए, आज सरकार की ओर से भी कई मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए और जिस तरह से आपने जानकारी दी कि विधायक पानाचंद मेघवाल भी पहुंचेंगे वहां पर भी, यानी कि मुलाकात वहां पर भी हो सकती है और समझाइश का प्रयास वहां पर भी हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है इस प्रकरण को लेकर। पानाचंद मेघवाल ने मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि जब तक अगर पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिलता है, परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं मिलती है, तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो जालौर में यहाँ धरना देंगे, सरकार के खिलाफ वो धरना देंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो घटनाएं हुई राजस्थान में सरकार ने उनकी मदद की है। उदयपुर की घटना को लेकर भी सरकार ने दो लोगों को नौकरी दी है, उनको 50 लाख का मुआवजा सरकार ने दिया है। दलित समाज के पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कभी घोड़े के नाम पर दलित समाज के युवक के साथ हत्या की जाती है, कभी पानी पीने के नाम पर उसकी हत्या की जाती है। इसके बाद छुआछूत से जुड़ा हुआ, जिस पर जरूर एक प्रभावी रोक लगने की जरूरत है और सरकार इसको लेकर गंभीर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हंसपाल, तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।